खबरों में आगे, देहरादून में सीएम धामी ने करगिल शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने श्रद्धांजलि समारोह में जनता को किया संबोधित। करगिल दिवस पर आयोजित समारोह में बोले सीएम धामी, आज हमारी सेना निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। एक समय हमें गोली का जवाब देने के लिए भी पूछना पड़ता था। देश आज विकसित भारत के संपूर्ण कल को लेकर आगे बढ़ रहा है। आज के इस दिवस की आप सबको बहुत बधाई देता हूं। मैं सर्वप्रथम आज के इस अवसर पर कारगिल युद्ध में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सभी भारत माता के वीर जवानों को नमन करता हूं और अपने वीर बलिदानियों को ये देश कभी भुला नहीं सकता है, हमेशा वो हमारे स्मरण में रहेंगे। अभी कारगिल युद्ध के बारे में हमारे अधिकारीगणों ने ही बताया किस प्रकार का वो युद्ध था और हमारे वीर सैनिकों ने इस युद्ध में दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस, उत्कृष्ट रणनीति, अभूतपूर्व पराक्रम और महान धैर्य का परिचय देते हुए दुश्मन को भारत की सीमा से खदेड़कर विजय दिलाने का काम किया था। इस युद्ध में हमारे सैनिकों ने जिस वीरता और साहस का परिचय दिया वो हम सबको ले हमेशा स्मरण में रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां उनको हमेशा याद करेंगी, हमेशा उनके जीवन को ये युद्ध प्रेरित करता।